हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का कुछ खास इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम टाइम पीरियड है, जिसको कैपिटल टी से सूचित करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम पीरियड, कैपिटल टी से इसे सूचित करते हैं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड कैसे हम समझ सकते हैं, टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट जो होता है वो स्मॉल एस होता है, स्मॉल एस टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड, सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 60 सेकेंड, हैंड ऑफ अ वॉच इज 60 सेकेंड, है ना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है उसको कैपिटल टी से दिखाया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g, टी बराबर 2π√L/g। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और इस तरह से बहुत सारा टॉपिक है यहाँ पर। जैसे टाइम पीरियड को मैं समझाने वाला था, मेरा टॉपिक आज था वो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का मतलब यह होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, मतलब चक्करों की संख्या को, मतलब एक बार में, मतलब द टाइम पीरियड टू टेकन कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर में जितना टाइम लगता है वही उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।